वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेस्टी रूही। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और फुल ऑन दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे, सब लोग कर रहे हैं। तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ और मैं वीडियो में बनाने वाली हूँ आज मसाला पनीर। सब्जी नहीं बना रही हूँ मैं, तो घबराइए मत, मैं मसाला पनीर की सब्जी नहीं बना रही हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक मसाला पनीर, लाइक रॉ मसाला पनीर होता है ना जैसे हम खाते हैं, लाइक कच्चा पनीर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक मसाला पनीर, लाइक नॉट द रॉ सिंपल मलाई पनीर, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक रॉ मसाला पनीर। सो आई एम इन माई किचन, दूध मेरे पास में काफी ज्यादा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि पीना तो हमने है नहीं है तो क्यों ना मसाला पनीर बना लिया जाए, बिकॉज वो अच्छा लगता है। आप उसको सैलेड के ऊपर डाल के खा सकते हो, आप उसको वैसे ही टेस्ट, मतलब वैसे ही खा सकते हो, एज एन एपेटाइजर भी खा सकते हो। उसको आप थोड़ा सॉटे कर लो किसी मशरूम वशरूम के साथ में। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ आई मेक द मसाला पनीर माई वे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई विल शो यू माई वे ऑफ मेकिंग इट, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, सो यहाँ पे आप देख लो दूध मेरा जो है मैंने एक कढ़ाई में डाला है, पैन में या फिर पतीली में, जिसमें भी आपने डालना है डालिए। और अभी देखो कि ये जो मिल्क है मेरा, ये काफी ये बॉयल होना शुरू हो गया है, खदक रहा है, मतलब ये खदकेगा अब, राइट। तो अब इसके अंदर मैंने क्या क्या डालना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो ये बॉयल हो रहा है। अब यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर अपने जो ये छोटा सा मेरा कूटने वाला है, इसके अंदर मैंने एक चम्मच जो है जीरा और कुछ कम से कम 5-6 पेपरकॉर्न्स मैंने रखे हैं और इनको मैंने दरदरा कूट लिया है, मतलब इनको एकदम से ऐसे नहीं करा है, थोड़ा सा ना मैंने इनको ऐसे करके कूट लिया है ताकि जो इसका जो अरोमा है वो बेसिकली पूरे दूध में अच्छे से आए, क्योंकि हम मसाला पनीर बना रहे हैं तो इसका अरोमा हमें चाहिए ही चाहिए। सो द फर्स्ट थिंग आई एम पुटिंग इन माई मिल्क इज जीरा एंड क्रश्ड पेपरकॉर्न्स, यानी कि काली मिर्चा। तो काली मिर्चा और जीरा मैंने क्रश कर लिया है एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन द मिल्क, गया दूध में, ठीक है। और इसके बाद में आई विल गिव इट अ स्टर, ओके। और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो आपके पास जो भी रेड चिली फ्लेक्स हैं आप वो डालें, जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा डब्बा टाइप का ही चाहिए। मेरे पास में ऐसे ये सैशे होते हैं ना, जो ऑरिगेनो, जो आप मोस्टली अगर पिज्जा वगैरह खाते हैं तो आपको सैशे मिलते हैं, तो आप वो वाला रेड चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास में ये चिली फ्लेक्स हैं और मैं इसको डालूंगी इसके अंदर। सो आई एम गोइंग टू टेक अ स्पून ताकि मैं नाप लूँ कि मैं गड़बड़ ना कर दूँ कि चिली ज़्यादा हो जाए। सो आई थिंक इतना जो है इनफ रहेगा, ये गया इसके अंदर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम ओरेगनो, बेसिकली इसके अंदर थाइम, रोजमेरी और सारे जो भी हैं, बेसिकली पिज्जा ओरेगनो स्पाइस मिक्स है, तो इसके अंदर जो भी मसाले हैं वो सब इसके अंदर जाएंगे। आप इसके साथ में ना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, लाइक यू कैन ऐड ब्लैक ऑलिव्स इन इट, जो मसाला पनीर बना रहे हो इसमें आप ऑलिव्स भी डाल सकते हो, ग्रीन ऑलिव्स डाल सकते हो चॉप करके, तो आर लाइक वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो आपने ये डाला मसाला इसके अंदर, गिव इट अ नाइस स्टर और आप चेक कर लो कि आपको ये मसाला सफिशिएंट लग रहा है या फिर यू वांट टू ऐड मोर। मेरे को तो ये सफिशिएंट लग रहा है। सो दिस टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट योर लाइकिंग्स आर, यू नो, इन रिगार्ड्स टू द मसालास। तो आप ये चेक कर लो एंड देन यू व्हाट विल यू डू इज, मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग इसके अंदर डालते हैं धनिया, लाइक दी हाउ वी हैव धनिया सीड्स। में धनिया सीड्स नहीं डाल रही हूँ, आई एम पुटिंग दी रेगुलर धनिया इन इट, मैंने चॉप कर लिया धनिया को। मोस्टली लोग ना इसके अंदर धनिया डालते हैं, लाइक दी जो धनिया सीड्स होते हैं ना वो डाल देते हैं कूट के थोड़ा सा, बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जब मेरे पास में फ्रेश धनिया है सो आई एम गोइंग टू टेक यूज ऑफ दिस वन। तो ये देखो अच्छे से हो गया है, धनिया वनी डल गया। अब इसके अंदर मेरे को डालना है नमक। नमक टोटली डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कितना डाल रही हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेक काइंड ऑफ लाइक 1 teaspoon जो कह लो आप, मैंने नमक डाला है इसमें, दैट्स इट। क्योंकि नमक आप ऊपर से भी डाल सकते हो, लाइक वंस द पनीर इज डन तब उस टाइम पे भी डाल सकते हो। अब आप ये देखो कि ये अच्छे से हो गया है इसके अंदर मसाला, एंड नाउ इज द टाइम आई एम गोइंग टू पुट, इसको बेसिकली मैं कर्डल करूंगी, मतलब कि इसको मैं फाड़ूंगी दूध को अब। ओके, तो अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू, जब उनको दूध फाड़ना होता है तो विनेगर से फाड़ते हैं। तो विनेगर से मैं यहाँ पे दूध नहीं फाड़ूंगी, क्योंकि अगर मैंने विनेगर डाला इसमें तो उसमें एक खट्टा सा फ्लेवर रहता है। तो अब इसमें तो अगर हम नॉर्मली दूध को विनेगर से फाड़ते हैं तो हम उसको एक नॉर्मल वाटर डाल देते हैं कि चलो ठीक है वो जो उसका खट्टा बना है वो निकल जाएगा, बट हियर बिकॉज मैं इसको जब निकालूंगी तो मैं इसको पानी से रन नहीं कर सकती बिकॉज सारा फ्लेवर चला जाएगा। तो दैट इज व्हाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई हैव द कर्ड हियर, जो आपकी घर की योगर्ट होती है, जो जैसे मेरे पास जमाई भी थी, तो आप ऐसे एक चम्मच दही जो है पहले डालें इसमें, बेसिकली मैं इसको दही से फाड़ूंगी, ठीक है। अब आप इसको चलाओ,
ग्रेजुअली मतलब आपको डालना है ये, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी से सारा दही एक बार में डाल दिया। तो आपने क्या करना है, इसको चलाते जाना है और दही को डालते जाना है। तो बेसिकली मैंने इस कटोरी में लिया था ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून या टेबलस्पून बोल दो दही। तो अब ये इसमें मैंने डाल दिया है और अब ये फटेगा, दूध फटना तो चाहिए इसको। तो ये मैंने डाला है, नाउ जस्ट लेट्स जस्ट वेट कि ये जो मेरा ये है फटे। धीरे धीरे ये कडल होगा और ये फिर फटेगा। सो ये हल्का सा कडल होने लगा है, अगर आप देखो तो ये अब फटने के पूरे उस पे आ चुका है। सो आप ये देखो कि अब ये दूध जो है कडल हो गया है। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है, 2 से आई थिंक मैंने 3 चम्मच ही लगा लो ऑलमोस्ट दही डाला है मैंने इसके अंदर फाड़ने के लिए, क्योंकि ये क्विकली से नहीं हो रहा था। तो अब ये फट गया है, ठीक है, ये अच्छे से फट गया है। और थोड़ा सा मैं इसको आँच को तेज कर लेती हूँ ताकि और प्रॉपरली कडल हो जाए जितना होना है। एंड देन जो वाटर बचता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड वे। वे इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, मतलब हम नॉर्मली पीते नहीं है, बट जो इसका पानी होता है, जो पनीर बनता है, एंड द वाटर विच इज लेफ्ट बिहाइंड, ये वाला पानी, ये दिस इज वेरी वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, स्किन, हेयर, नेल्स, इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो अगर आप ऐसे हैं कि यू डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो आप प्लीज इसका वे का जो पानी है ये वाला, इसको यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, लाइक वेन यू आर मेकिंग करीज, तो आप उस करीज में भी ये वाला पानी यूज कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर आप सूप बना रहे हैं देन ऑल्सो यू कैन यूज इट। और मैं क्या करती हूँ, लाइक जब घर पर हम लोग पनीर निकालते थे, अगर मेरी मदर इन लॉ भी पनीर निकालती थी, तो हम ये पानी बचाते थे और हम इस पानी से या तो आटा गूंध देते थे या फिर हम इस पानी को चावल से, मतलब चावल में बना लेते थे। सो नाउ दिस इज डन, मैंने इसको हाई हीट कर दिया है बिल्कुल अच्छे ताकि ये हो जाए। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है पानी अलग और पनीर अलग। एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल जस्ट छानो इट। सो अब मैं गैस को कर रही हूं बंद, दिस इज लाइक टोटली डन। और अब मैंने क्या करना है, इसको छानना है, तो लेट मी जस्ट छानो इट एंड देन गेट बैक टू यू। सो आप ये देखो यहाँ पे मेरा जो पनीर है वो मैंने मतलब कि इसके अंदर एक क्लॉथ लिया है, इट्स लाइक अ वेरी थिन क्लॉथ, और इस क्लॉथ के अंदर मेरा पनीर है और यहाँ पे नीचे जो है वो वे आ चुका है, लाइक दी वे वाटर। और अब मैं इसको जो है ऐसे उठाने वाली हूँ लाइक दिस। सो बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेकिंग इट, क्योंकि इट कैन डेफिनेटली लाइक इट्स बहुत ही ज्यादा गर्म है एंड इट कैन बर्न योर हैंड। तो आपने इस चीज का बहुत ध्यान देना है बिकॉज यू आर डीलिंग विद हॉट स्टफ एंड यू डोंट वॉन्ट टू बर्न योर फिंगर्स, है ना। आपके घर पे कोई भी बना रहा है, आप बना रहे हो, मदर बना रही हैं, या हूसेवर इज मेकिंग इट, मेक श्योर कि वो ध्यान से बनाएं और जले नहीं। सो आई एम जस्ट होल्डिंग इट, और पनीर में से एक्स्ट्रा वाटर सारा निकल जाएगा। ओके, तो सो टू हेल्प डू इट फास्टर कि आपके हाथ भी ना जले, वॉट यू कैन डू, जिससे जिस जो ये जो चिमटा रहता है जिससे आप रोटी बनाती हैं, वो चिमटा ले लें आप और उस चिमटे को ऐसे करके बेसिकली आप दबाएं। बहुत ज्यादा भी स्क्वीज नहीं करना है कि बिल्कुल ही ड्राई टाइप हो जाए, बट इतना भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही मतलब गीला रहे। सो ये आराम से मेरा जो है 200 ग्राम आई थिंक मेरा निकल गया पनीर, बहुत इजीली, बहुत ही अच्छे से मैंने निकाला है। और अब मैं आपको मिलती हूँ, इसका फाइनल जो है रूप दिखाती हूँ मैं आपको इसका। सो इट्स वेरी वेरी हॉट टू डील विद, बट इन विच केस आई एम अ सुपर वुमेन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में डाल के कैसा दिख रहा है। ओके, तो आप ये देख लो मेरा पनीर बिल्कुल रेडी है, इतना मॉइस्ट है, एकदम सेट है ये। अब ये है कि इस टाइम पे ये काफी हॉट है तो मैं इसको अभी छू नहीं पा रही हूँ, बट ये है कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बस इसको मैंने ना ऐसे करके इस क्लोथ को मैंने ऐसे शेप में बंद करना है ताकि ये जो मेरा पनीर है ये सेट हो जाए बेसिकली लाइक दिस। ऐसे मैं कुछ इसको पैक कर दूंगी, इसकी पैकिंग कर दूंगी ताकि ये इसके अंदर जो है अच्छे से कंबाइंड होके सेट हो जाए। बट आई वॉन्टेड टू शो यू कि कुछ बेसिकली ऐसा दिखेगा ये, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है अगर आप चेक करो। और मैं इसका ना थोड़ा सा टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है ये। सो आई एम गोना डिग इन एंड टेस्ट इट। सो इतना लिया मैंने, दिस इज सो डैम गुड, बहुत ही टेस्टी बनाई है। आप प्लीज इसको ट्राई करें, मेक इट और मुझे बताएं कि कैसा बना है। एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, मैंने जितनी बारी बनाया है अच्छा बनाया है, और अभी भी बहुत टेस्टी बनाया है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव इट टू माई हस्बैंड, देन वी बोथ विल ईट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो लेट्स जस्ट से अ प्रॉपर गुड बाय टू यू गाइज। सो बन गया है हमारा मसाला पनीर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरी जो वीडियोस हैं मैं डालती रहती हूँ। मेरी होम कुकिंग ही होती है मोस्टली, आई कुक लाइक सिंपल सादा फूड, सो इंटरेस्टिंग फूड भी मैं डालूंगी
जैसे कि कुछ अच्छी क्विजींस इटालियन मे बी चाइनीज, तो आप प्लीज मेरी जो रेसिपी है उसको लाइक करें और ट्राई करें एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट. सो लॉट्स ऑफ लव सेलेस्टियल रूही. और दिवाली आने वाली है सो खूब धमाल करना. टेक केयर गाइस, थैंक यू.